दोस्तों, अगर आप एक एयरटेल पेमेंट्स बैंक के एपीएस सर्विस देते हैं और उसके रिटेलर्स हैं, तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने प्रत्येक एपीएस ट्रांजैक्शंस पे आपको एक्स्ट्रा कमीशंस देने का वादा किया है और ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। तो कब से कब तक ये लागू रहेगा और कितना कमीशंस मिलेगा, आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बतलाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन डिजिटल बैंकर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो वीडियो के साथ शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अगर आप एक रिटेलर्स हैं और एपीएस का सर्विस देते हैं, तो आपको रेट मालूम होगा एपीएस कमीशंस का, जो कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक के एपीएस में आपको मिलता है। 3000 के विड्रॉलिंग पे आपको 8 रुपए का कमीशंस मिलता था पहले, और रिसेंटली प्रीवियस अपडेट जो है वो आपको मैक्सिमम कमीशन 9 रुपए कर दिया गया है। अब यहाँ पे जो एक नया अपडेट देखने को ये मिल रहा है कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अब मैसेज अपने रिटेलर्स को लाखों नंबर भेजना शुरू कर दिया, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं लगा दूंगा स्क्रीनशॉट। और इसमें लिखा हुआ है कि अब एयरटेल एपीएस के साथ कैश विड्रॉलिंग पे, प्रत्येक कैश विड्रॉलिंग पे आपको एक्स्ट्रा 1 रुपए का अतिरिक्त कमीशन दिया जाएगा। तो उसका जो ट्रांजेक्शन लिमिट है और लिमिटेड पीरियड ऑफर है, क्या ड्यूरेशन है, उसको मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप किसी भी कस्टमर्स का मिनिमम 2000 रुपये या उससे अधिक का विड्रॉलिंग करेंगे, तभी आपको 1 रुपए का एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। अगर आप किसी कस्टमर्स का 2000 से नीचे का ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा कमीशन जो है वो नहीं मिलेगा। और इस ऑफर का जो ड्यूरेशन है वो 28 मई से लेकर के आपको है 4 जून तक का ये ऑफर का जो है सिलसिला जारी रहेगा। तो आप अगर एक एयरटेल के एपीएस सर्विस देते हैं और प्रोवाइडर हैं, तो आप इसको ट्रांजेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और ज़्यादा कमीशन अर्जित कीजिए।